हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुबई को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यदि आप इस समय भारत में हैं और दुबई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को एडिशनल एक कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ता है, जो कि आपको एयरपोर्ट से ही लेना पड़ता है। इस टेस्ट का नाम जो है रैपिड PCR टेस्ट है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि भारत सरकार जो है वो दुबई की गवर्नमेंट से बातचीत कर रही है कि जो रैपिड PCR टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि रैपिड PCR टेस्ट जो है उसका कराने का खर्चा जो है वो आपको 3,900 रुपये का पड़ता है, जो कि एक काफ़ी महंगा टेस्ट है। सो फ्रेंड्स, आगे आने वाले समय में हो सकता है कि यदि दुबई की गवर्नमेंट भारत सरकार की इस बात को मान लेती है, तो यदि आप इस समय भारत से दुबई के लिए ट्रैवल करेंगे तो आपको रैपिड PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बात करें, यहाँ पर इस समय यदि आप भारत से दुबई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो कौन कौन से नियम इस समय एप्लीकेबल हैं। सो सबसे पहले, इस समय यदि आप भारत से दुबई जाना चाहते हैं तो आपके पास दुबई का वीज़ा होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट, जो कि नॉर्मल RT-PCR रिपोर्ट बोलते हैं, जो कि आपको 48 घंटे पहले कराना पड़ता है फ्लाइट में बैठने से पहले। और इसके अलावा एक और कोरोना वायरस का टेस्ट, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया है, जिसको रैपिड PCR टेस्ट बोलते हैं, और ये टेस्ट आपको फ्लाइट में बैठने से 6 घंटे पहले कराना पड़ता है। टोटल आपको 2 कोरोना वायरस का टेस्ट लगता है यदि आप इस समय भारत से दुबई के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं। और इन सब के अलावा फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यदि आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है और वो वैक्सीन यदि आपकी कोविशील्ड है, तो उसका प्रूफ भी अपने साथ ज़रूर लेकर ट्रैवल करें, क्योंकि वो भी आपको दुबई में जाने के बाद दिखानी पड़ेगी। सो ये सारी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करना पड़ेगा यदि आप इस समय भारत से दुबई के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं। तो